फ्रेंड्स, मैं शिखा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आलू बन चाट बनाएंगे। आलू बन चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बन लेंगे। हम इस बन को स्टफ करेंगे, इसलिए हम बन को ऊपर से थोड़ा सा काट लेंगे। हमें इसकी बहुत पतली लेयर काटनी है। अब इसका सारा ब्रेड इस तरीके से निकाल लेंगे। ध्यान रहे, हम चाकू को बहुत अच्छे से चलाएंगे। हमें बन नहीं काटना है, हमें सिर्फ इसकी ब्रेड निकालनी है। देखिए, इसकी सारी ब्रेड निकल चुकी है और ये अंदर से एकदम खाली हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरे बन की भी ब्रेड निकाल लेंगे। बन को घुमाते हुए हम इसकी ऊपर की लेयर को काट लेंगे। ध्यान रहे, हमें चाकू को बहुत समझदारी से चलाना होगा, क्योंकि इसमें बन कट सकता है और हमें बन को बिल्कुल भी नहीं काटना है। हमें सिर्फ इसकी ब्रेड निकालनी है। अगर बन में छोटा सा कट लग जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ध्यान रहे कि उसमें कोई भी बड़ा कट नहीं होना चाहिए। देखिए, इसकी भी सारी ब्रेड निकल गई है। अंदर की कुछ ब्रेड को हम हाथों से भी निकाल सकते हैं, जिससे चाकू से उसमें कट ना लगे। अंदर की चारों तरफ की सारी ब्रेड निकाल लेंगे। अब हम दो उबले हुए आलू लेंगे। अब हम आलू को मैश करेंगे और उसी ब्रेड में डाल देंगे। अब हम इसको फ्राई करेंगे, उसके लिए कढ़ाई लेंगे, उसको गरम करेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। अब इसमें चुटकी भर हींग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 से 2 कटी हुई हरी मिर्च डालकर थोड़ा चला लेंगे। अब इसमें मैश्ड आलू और ब्रेड को डालकर सभी को अच्छे से मिला लेंगे।
ब्रेड और आलू दोनों को अच्छे से मैश कर लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर मिला लेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करते रहेंगे जिससे सारी चीजें अच्छे से मिल जाए। देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच अमचूर पाउडर डालकर मिला लेंगे। अब इसमें कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेंगे। बन गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम इसको बन में स्टफ करेंगे। इसको अंदर चारों तरफ से अच्छे से स्टफ करेंगे। देखिए इस तरीके से हाथों से प्रेस करके अंदर तक स्टफिंग डालेंगे। अब इसको ऊपर से उसी लेयर से ढक देंगे। इसी तरीके से दूसरा ओवन भी स्टफ कर लेंगे। अगर स्टफिंग करते टाइम बन थोड़ा फट जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कट को हम आलू के साथ प्रेस करके थोड़ा सेट कर लेंगे। अगर स्टफिंग बच जाती है तो आप इसको नॉर्मली रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं। अब हम इसको सेक लेंगे। इसके लिए तवा गरम करेंगे और उसमें एक चम्मच घी डालेंगे। बन जिस साइड से कटा हुआ है उसी साइड से हम बन को तवे के ऊपर रखेंगे। हमने ये इसलिए किया है ताकि स्टफिंग बाहर ना निकले। हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। अब इसको पलट लेंगे। इसको साइड से भी सेकेंगे। देखिए हम इसको इस तरीके से पकड़कर घुमाते हुए चारों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। देखिए गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको निकाल लेंगे। अब इसकी गार्निशिंग करेंगे। अब इसमें 2 से 3 चम्मच दही डालेंगे। दही की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा ही रखेंगे।
अब इसमें 1 से 2 चम्मच सौंठ, 1 से 2 चम्मच हरा धनिया की चटनी, 1 कटा हुआ प्याज, कुछ कटा हुआ टमाटर, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर जीरा पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी नायलॉन सीफ, और कुछ कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। आलू बन चाट बनकर तैयार है। ये एकदम आलू टिक्की चाट की तरह होती है। ये बच्चों को काफी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।